सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच विद सोनिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिक्की कछहरे की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेजरमेंट, तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी नाप लेके आपको बता देती हूँ। तो एक हमें लेना है हिप राउंड यहाँ से, जो कि है 36। उसके बाद हमें लेनी है लेंथ, जहाँ पर कच्छा बांधना है वहाँ से लेकर लेंथ कितनी चाहिए हमें। तो मुझे चाहिए 11, तो मैं देख लूँगी। और हमें यहाँ से मोरी देखनी है कि मोरी कितनी लेनी है। तो कछहरे की जो मोरी होती है थोड़ी सी लूज ही होनी चाहिए, तो आप देख लेंगे कि आपको कितनी चाहिए लूज। तो ये 20 है यहाँ पर, तो ये 20 ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक है कॉटन का, ये डबल में है इस तरीके से। और अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी यहाँ से, और जो हिप राउंड है उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 9 आएगा। तो यहाँ से हमें 9 लेना है, 9 और 1 इंच मार्जिन जो कि सिलाई में जाएगा आधा आधा इंच, तो हम 10 इंच ले लेंगे। और फ्रेंड्स, लूजिंग जो होती है वो हम यहाँ से देंगे, लेंथ में हमें जितने भी लूजिंग चाहिए हम वो दे देंगे, क्योंकि जब हम इसको कट करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरीके से। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, इसको हम अलग कर लेते हैं। और अब हमारे पास ये कपड़ा है, इसको इस तरीके से कर लेंगे हम। 11 इंच तो हमारी लेंथ है जो कि हमें चाहिए तैयार रेडी। उसके अलावा हमें 2 इंच फोल्डिंग के लिए चाहिए, जो कि हम नेफा मोड़ते हैं तो वो 13 हो जाएगा। और लूजिंग हमें कितनी देनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना खुला कचहरा पहनना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप लूजिंग देंगे। तो मैं यहाँ पर 5 इंच की लूजिंग दूंगी, यानी कि मैं 18 इंच लूँगी यहाँ से। और ये जो यहाँ से कपड़ा बचेगा 4 इंच, ये मैं पोंचों की पट्टी के लिए निकाल लूँगी। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इसके तीनों तरफ से एक सिलाई लगा देनी है, आधा आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने तीन तरफ से ये स्टिच लगा ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें तिरछी एक लाइन खींचनी है, चाहे आप स्केल ले लें चाहे आप इंची टेप ले लें, और यहाँ से एक सीधी लाइन बना लें। सिक्की कछहरा अमृतधारी सिक्स जो होते हैं वो पहनते हैं। तो अब फ्रेंड्स, क्या करना है हमें, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, ये हम इस तरीके से उठा लेंगे, नीचे वाला नहीं करना हमें। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से, और इस लाइन पर कट कर देंगे स्ट्रेट इस तरीके से। जब हम इसे खोलते हैं स्टिच करके, तो इसकी जो चौड़ाई है वो अपने आप बढ़ जाती है। तो ये मैंने 9 इंच लिया था, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना हो गया है। जो हमने नीचे से 5 इंच लिया था वो साइड में आ गया है, ये देखिए ये अब हो गया है 13 इंच। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको इक्वल करके यहाँ से फोल्ड करके, और यहाँ से हम मोरी के लिए निशान लगाएंगे। मोरी जो थी हमारी राउंड में 20 थी, तो मैं यहाँ से 10 पर एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से। यहाँ से मैं एक छोटा सा कट लगाऊंगी और इस तरीके से, जहाँ पर 10 इंच का निशान है वहाँ तक हम इस कट को ले जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी। अब इसका सेंटर ले लेंगे हम, यहाँ से सेंटर लेके और 1 इंच पर कट कर लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग हो चुकी है कछहरे की। तो चलिए मैं आपको स्टिच करना बताती हूँ। और ये हमारी पट्टी थी पोंचों की, ये हम देख लेंगे कितने इंच की है, क्योंकि हमें 22 इंचेस की पट्टी चाहिए। तो ये 20 है पूरी पूरी, इसमें थोड़ा सा जॉइंट लगेगा, इसमें एक जॉइंट लगा के और फिर हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे हाफ में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नेफा मोड़ लेंगे इस तरीके से, ये जो हमने कट लगाया था इस तरीके से। पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे,
इसी तरीके से दूसरी साइड भी, ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है सिलाई से, इसको कट कर देंगे। और अब हम नेफा मोड़ेंगे इस तरीके से, आधा आधा इंच अंदर मोड़कर और एक स्टिच लगा देंगे। इसको हम तिरछा कट करते हैं, इसलिए इसमें नेफे में थोड़ा सा झोल आता है, पर वो लास्टिक वगैरह डालने से ठीक हो जाता है। नाड़ा लास्टिक जो भी डालेंगे आप, उसके बाद उसमें जो चुन्नट आएंगे उससे वो ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा नेफा मुड़ के तैयार है। सबसे पहले मैं इसका सेंटर देख लूँगी, यहाँ पर एक कट लगा दूँगी, एक कट यहाँ लगाऊँगी और एक कट इस तरफ लगाऊंगी सेंटर लेकर। और अब ये पौचों की पट्टी जो हमने कट की थी, उसमें मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट कर लिया है। 20 इंच की हमारी मोरी है राउंड में, और 20 इंच की ये पट्टी थी, पर हमें इससे थोड़ी एक्स्ट्रा पट्टी चाहिए, 3-4 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैंने वो जॉइंट कर ली है। अब इसको हम डबल करके इसका भी जॉइंट सेंटर ले लेंगे पट्टी का, और एक कट लगा लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेंटर ले लूँगी मैं। और अब जो सीधा हिस्सा है जो हमने मोरी कट की थी, उसका हम इस तरीके से सीधा हिस्सा ले लेंगे। जो हमने सेंटर कट किया था, उसी सेंटर के ऊपर इस पट्टी का सेंटर रखेंगे इस तरीके से, और एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर कॉर्नर पे आके सिलाई को हम तिरछा ले जाएंगे, और अब दूसरी साइड से भी सिलाई करके यहाँ पर आ जाएंगे जो कॉर्नर है मोरी का। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये गोलाई में पट्टी जॉइंट कर ली है, और यहाँ पर कॉर्नर पर इस तरीके से सिलाई को मैं लेकर आई हूँ। और अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पट्टियों को पकड़ के इस तरीके से सिलाई को मैं तिरछा ले जाऊँगी। मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एक तिरछी सिलाई लगा दी है, और अब मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी यहाँ से, और अब इस पट्टी को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर कॉर्नर पर एक स्टिच लगा दूँगी पूरा राउंड में। इस कॉर्नर से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे, और फिर इसी कॉर्नर पर लेकर आएंगे। और एक सिलाई और ये हमने कॉर्नर पे सिलाई लगा ली है, अब इसके साथ साथ हम एक सिलाई और लगा लेंगे, ताकि पौचों की पट्टी थोड़ा अच्छी दिखे। इसी सिलाई को हम घुमा लेंगे एक पैर की जगह छोड़कर। और फिर कॉर्नर पे ले आएंगे सिलाई को, और इस सिलाई को कॉर्नर पे लाके रोक देंगे। और अब साइड वाला ये जो है, इस कपड़े को हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करते जाएंगे और एक स्टिच लगाते जाएंगे। चलिए कर लेते हैं फोल्ड। नीचे से कपड़े को सीधा करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे, ताकि कोई झोल ना आए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी पौचों की पट्टी दोनों साइड से लग चुकी है, ये देखिए, और हमारा कछहरा बनके तैयार है। फ्रेंड्स, इसमें लास्टिक भी लगा सकते हैं, और ज़्यादातर इसमें नाड़ा लगाते हैं। ये मैंने बच्चे के लिए बनाया है, इसलिए मैं इसमें लास्टिक लगाऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। और आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।